हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए सिल्की का डिजाइन लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर और सोबर सा डिजाइन है ये, और जेंट स्वेटर में बहुत सुंदर लगता है। जेंट स्वेटर का ही डिजाइन है ये, देखें बहुत ही सोबर सा है और सुंदर लगता है। छोटा सा डिजाइन है ये, केवल 4 रो का डिजाइन है आपका और बहुत ईजी है बनाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा ये। इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 8 के मल्टीपल में फंदे डालने हैं, प्लस 3 फंदे हमें एक्स्ट्रा डालने हैं। उसके अलावा 2 फंदे हम अपने एज के लिए एक्स्ट्रा डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये हमारी फर्स्ट रो है रॉन्ग साइड से। ये डिजाइन हमारा रॉन्ग साइड से शुरू होगा, उल्टी तरफ से शुरू होगा। तो ये हमारी फर्स्ट रो है। एक ये एज स्टिच है, इसको हम ऐसे ही निकालेंगे। उसके बाद धागे को पीछे करेंगे और 3 फंदे हम सीधे बिनेंगे। 1, 2, 3, 3 फंदे सीधे बिने, धागे को आगे करेंगे और 5 फंदे उल्टे बिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, फिर धागे को पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे बिनेंगे। 1, 2, 3, फिर धागे को आगे करेंगे और 5 फंदे उल्टे बिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, ये पूरी रो हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, 3 फंदे सीधे और 5 फंदे उल्टे करते हुए। अब देखिए, एंड में हमारे ये 4 फंदे बचे हैं, धागे को पीछे करेंगे, 3 फंदे तो हमारे ये सीधे जाएंगे लास्ट के। 1, 2, 3, और ये हमारी एज स्टिच है, रॉन्ग साइड है, तो धागे को आगे करेंगे और 1 फंदा हम उल्टा बिनेंगे। अब ये हमारी सेकेंड रो है, राइट साइड है हमारी। तो देखिए, एक ये एज स्टिच है, इसको तो हमने ऐसे ही निकाला। उसके बाद ये जो 3 उल्टे फंदे दिख रहे हैं आपको, वो सीधे बिने हैं हमें इसमें। 1, 2, 3, ये 3 सीधे फंदे बिने। तो उसके बाद धागे को आगे करेंगे और 5 फंदे हम इसमें स्लिप कर लेंगे, बिना बिने उतार देंगे इसे। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 फंदे हमने बिना बिने उतारे। उसके बाद ये धागा आगे है, इसको हम पीछे करेंगे और आगे के 3 फंदे हम सीधे बिनेंगे। 1, 2, 3, ये 3 फंदे सीधे बिने। फिर वही करना है हमें, धागे को आगे करेंगे और ये 5 फंदे हम स्लिप कर लेंगे। 2, 3, 4, 5, 5 फंदे स्लिप करने के बाद धागे को पीछे करेंगे वापस से, और जो ये गैप के 3 फंदे हैं, ये 3 फंदे हम सीधे सीधे बिन लेंगे। ये देखिए, फिर वही रिपीट होगा हमारा। धागा आगे करा, 5 फंदे हमने ये स्लिप करे, धागे को पीछे करेंगे और 3 फंदे हम सीधे बिन लेंगे। ये पूरी रो हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है अपनी। इसमें जो डिजाइन वाले फंदे हैं वो हम स्लिप करेंगे, बिना बिने उतारेंगे, और ये एंड के 3 फंदे हमने सीधे बिने। अब ये एक एज स्टिच है, इसको भी हम सीधा बिन लेंगे इसमें। अब हमारी थर्ड रो है, रॉन्ग साइड है हमारी। इसमें फिर हमारा वही पैटर्न चलेगा। देखिए, एक ये एज स्टिच है, इसको हमने ऐसे ही निकाला, धागा पीछे करा, फिर वही करना है हमें, 3 फंदे सीधे बिनेंगे इसके। ये 3 फंदे हमने सीधे बिने, धागे को आगे करेंगे और 5 फंदे आगे के उल्टे बिनेंगे। जो हमारा फर्स्ट रो में जो पैटर्न चल रहा था, वैसे ही हम इसको कंप्लीट करेंगे बनाते हुए। पांच फंदे उल्टे बिने, फिर धागा पीछे करके 3 फंदे सीधे, फिर धागा आगे करके 5 फंदे उल्टे।
ये पूरी रो हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे सेम अपनी फर्स्ट रो की तरह। अब ये हमारी फोर्थ रो है राइट साइड से। देखिए ये एच स्टिच ऐसे ही निकाली, उसके बाद ये तीन फंदे जो गैप के हैं वो सीधे बिन दिए, एक दो तीन। अब जो ये तीन फंदे ये सॉरी पांच फंदे जो डिजाइन के हैं, ये फाइव स्टिचेस हैं जो, उनमें से दो फंदे तो हम सीधे सीधे बिन लेंगे, एक दो। उसके बाद जो ये बीच वाला फंदा है उसको हम देखिए ये जो धागा दिख रहा है आपको, इसके अंदर से ऐसे सिलाई डालेंगे और ये बीच वाले फंदे को सीधा बिनेंगे, फिर इसी धागे के नीचे से सिलाई निकाल के इस तरीके से इसको ऐसे निकाल देंगे और बाकी के दो जो बचे हुए हैं फंदे उन्हें सीधा बिनेंगे। फिर हमें वही रिपीट करना है, जो तीन गैप के फंदे हैं उन्हें सीधा बिना। उसके बाद जो ये पांच डिजाइन के फंदे हैं उसमें से दो फंदे हम सीधे बिनेंगे। तीसरे वाले फंदे को इस धागे के नीचे से ऐसे सिलाई डाल के ये फंदा सीधा बिना और फिर इसी धागे के नीचे से ऐसे लाए और इसको निकाल देंगे और आगे के दो फंदे हम सीधे बिन लेंगे। फिर वही रिपीट होगा हमारा, तीन फंदे जो गैप के हैं वो हमने सीधे बिने, फिर ये पांच फंदे डिजाइन के हैं इसमें से दो फंदे हम सीधे बिनेंगे, तीसरे वाले फंदे को हम इस के नीचे से ऐसे करके बिनेंगे धागे के और ऐसे निकाल लेंगे, फिर बाकी के दो फंदे हम सीधे बिन लेंगे। अब ये पूरी सिलाई हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है, पूरे सीधे सीधे बिनते हुए। ये देखिए फिर वही बीच वाला फंदा आ गया, इसको हम इस धागे के नीचे से ऐसे सीधा बिन लेंगे और इसको ऐसे निकाल देंगे और फिर फंदे को निकालेंगे और बाकी के सारे फंदे अब हम सीधे सीधे बिन लेंगे। ये लास्ट की एज स्टिचेस से भी सीधा बिन लेंगे। ये देखिए हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है, इस तरीके का लुक आएगा इसका बनने के बाद। इन्हीं चार रो को हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, रॉन्ग साइड हमारी वैसे ही बिनेगी और इन्हीं चार रो को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, तो इस तरीके का लुक आएगा इसका। थैंक यू।